हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इंडियन लाइफस्टाइल ब्लॉग। ब्लॉग पे आ गए हैं तो अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अभी हम चलते हैं एमएस कॉलेज के ग्राउंड पे, जहां पे मोतिहारी जिला के आसपास और मोतिहारी जिला के ढेर सारे विद्यार्थी ग्रुप डी का डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और रेलवे एनटीपीसी आरआरबी का वहाँ पे लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, चलते हैं उनसे कुछ बात करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। काम लेना है कोरोना है, लेकिन इलेक्शन लेना है कोरोना नहीं है। मतलब पिता यही आशा रहता है कि बच्चा मेरा अब फोन से बोलेगा, मेरा जॉइनिंग हो गया, अब मेरा बच्चा फोन से बोलेगा। इसी तरह करते करते बच्चा इस साल कितना बच्चा एज एक्सपायर होगा। मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है, उन लोगों में कोई दिक्कत नहीं होगा। उन लोगों का रहेगा तो बोलेगा कि हाँ हमारे कोरोना यहाँ है। एमएस कॉलेज में देखिए गर्मा गर्म जलेबी। जब इलेक्शन हो जाता है, कोरोना काल में इलेक्शन हो जाता है, कोरोना काल में इंजाम गवर्नमेंट से, इस गवर्नमेंट से कोई खुश नहीं है। इस गवर्नमेंट से एक ही आदमी खुश है, बस बनिया बड़ा लोग खुश, लोग खुश है, बाकी कोई खुश। कुछ छात्र दिख रहे हैं, आइए उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या करने आए थे आप एमएस कॉलेज के मैदान में? ग्रुप करते हैं। अच्छा, क्या सेट वगैरह बना जी? किस चीज़ का सेट? रेलवे का मैं सेट बनाते हैं। रेलवे में क्या एनटीपीसी वगैरह ग्रुप डी दोनों करवाते हैं। अच्छा, ये एनटीपीसी का जो विवाद था, ग्रुप डी का विवाद था, ये क्या था? एनटीपीसी ग्रुप डी का विवाद था, यही था कि सरकार कही थी जो हम मैंने वैकेंसी मैंने 10-20 गुना रिजल्ट देंगे, सरकार 7 गुना रिजल्ट दी, इसी कारण विवाद दूसरा। मतलब इससे पहले 20 गुना रिजल्ट मतलब लगभग रहता था, इस बार नहीं दिया गया। इस बार बोली थी सरकार 20 गुना रिजल्ट देंगे, आंदोलन इसीलिए आंदोलन हुआ। और ये जो सेकेंड जो हुआ था ग्रुप डी का मैटर, उसमें क्या मैटर? फर्स्ट पर जब फॉर्म भरवाया गया तो बोला गया कि एक एग्जाम लेंगे। अच्छा, जब उस एग्जाम का 20 दिन पहले बोला जा रहा है जब हम सेकेंड एग्जाम मिलेंगे, बताइए। उन्होंने कहा आईएएस का नौकरी दिया जा रहा है, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को गवर्नमेंट कर्मचारी की नौकरी दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है ये वो छात्र हैं जो कि काफ़ी कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, और ये कोई यूपीएससी का पेपर नहीं है जिसके लिए इस तरह की एग्जाम ली जाए, दो दो पेपर ली जाए। कितने सालों में कंप्लीट होता है ग्रुप डी? ग्रुप डी का फॉर्म भरे वैसे तो हो गया 4 साल लगभग पूरा होने जा रहा है। अच्छा, अभी सेकंड एग्जाम सरकार अगर ले लिया तो समझिए कि 3 साल, 3 साल तो पक्का लग जाएगा। ग्रुप डी का पेपर 5 साल, मतलब 5 साल लग जा रहा है। पंचवर्षीय योजना मोदी जी ने फॉर्म भरा है। बड़ी सरकार के बारे में क्या कहा जाए ना कहा जाए, बड़ी सरकार से बात किए हुए मैंने बात करना, समझिए कि यहाँ से पटना जाना बराबर है। आप लोगों की जीवन शैली कैसी होती है? मतलब वो कठिन परिश्रम बताइए। बहुत कठिन होती है, हम लोग जीवन शैली बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आपको यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, हम लोग बहुत सरकार समझने की कोशिश नहीं कर रही है। सरकार समझने की अगर कोशिश करते तो पंचवर्षीय योजना रेलवे नहीं बनता, तो बनता, लेकिन सरकार ने किस तरह से आप जीते हैं यहाँ पे? सुबह उठना और रात तक अध्ययन करना, हर रात तक अध्ययन करते हैं। मतलब किस तरह से तैयारी वगैरह? तैयारी तो बहुत अच्छी। लॉज में रहते हैं? जी, लॉज में रहते हैं। क्या ये मतलब एमएस कॉलेज के नजदीकी लॉज है? जी, थोड़ा सा ग्रुप का लॉन्च कर, सरकार थोड़ा खचड़ाई कर रही है। तो आप कुछ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ अपने सरकार के पक्ष में रखना चाहेंगे? सरकार के तमही मांग रखना चाहेंगे कि भाई जो भी हुआ सो हो, कोई बात नहीं, जो गलती हुआ सरकार से कोई बात नहीं, अब मैंने हो गया सो तो टोट डाल सकता है, लेकिन बच्चों सबका एग्जाम टाइम से ले ले, अपना जल्दी से ज्वाइनिंग करा दे, हम सरकार से ही मांग करेंगे। पंचवर्षीय जो योजना है वो ना बन करके 1 साल से 2 साल में सब कुछ। बताइए बताइए सर, कितने बच्चे को इस साल एज एक्सपायर हो गया? आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल? जी जी, क्यों नहीं, सरकार से बहुत नाराज है। क्या हुआ, क्या था एनटीपीसी का माजरा जो था? और सरकार बहुत दोगलाई कर रहा है जी। पांच बढ़िया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? पहले सरकार थी, हर साल भेजे 1 लाख हो गया, 5-10 साल इसी में लग जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। क्या कहना, क्या जाता है? हर साल भेजे, बस 10,000 भेजे 20,000। आप क्या कर रहे हैं? आप सेट बना रहे हैं? वही रेलवे का ही सेट बना रहे हैं? ग्रुप डी का। अच्छा, ग्रुप डी का। यहाँ पर खोल दीजिए एडमी। हम क्या विवाद क्या था राजा कुमार? ग्रुप डी का विवाद क्या है? एक बहाली निकाल रहा है सरकार, और 5-10 साल लगा रहा है, सीधा सरकार बोल दे
20 साल में एक बहाली प्रक्रिया पूरी होगी, तब तक हम लोग बाहर से कमा के आएंगे और 3 माह तैयारी करेंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे। मतलब पुराने का सेंस इनका यही है कि एक कैलेंडर निर्धारित कर रहे हैं ना, एक साल में मेरा कंप्लीट, एक साल का या 10 साल या 20 साल या 50 साल, जैसे मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है, उन लोगों में कोई दिक्कत नहीं होगा। उन लोगों का कोरोना रहेगा तो बोलेगा कि जो हमारे कोरोना नहीं फैल रहा है, बच्चों की तैयारी के लिए वहाँ जाएगा तो कोरोना हो रहा है, मत जाइए, एग्जाम नहीं लगे, एग्जाम के बाहर कोरोना हो गया, एग्जाम जब लेना है तो कोरोना हो गया। आज आप सही समय पर एग्जाम को निर्धारित करवाना चाहते हैं। देख लीजिए बजट पेश हुआ है, इसमें खाली मैंने उच्च वर्ग वाला का फायदा है, उच्च वर्ग को कैसे फायदा हुआ आप बताइए, जैसे बिजनेसमैन उनका बहुत ही फायदा है, मुनाफा हो रही है, मुनाफा हो रहा है, गरीब और गरीब हो जाए धनी का। और क्या यहाँ पे आप कर रहे थे सर? क्लास करने आए हुए थे। किस चीज़ की क्लास करते हैं? इंग्लिश क्लास। अच्छा अच्छा, ये जो भीड़ यहाँ दिख रही है वो किस चीज़ की भीड़ है सर? कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ सेट बना, सेट बना रहे हैं। अच्छा, ये मोतिहारी शहर में जो सेट बनाने का जो प्रोसेस है, यहाँ का प्रक्रिया, ये शायद दूसरे शहर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जी जी। और जो रिजल्ट भी यहाँ की होती है वो हम बेहतर होता है, पटना के करीब करीब ही इसका रिजल्ट। और यहीं पे एक छात्र हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, जस्ट क्या करने आए इसे में? सेट बनाने आते हैं का वन डे। अच्छा, रेलवे का मतलब यहाँ पे सेट बनता है? रेलवे का। अच्छा, NTPC का जो विवाद था वो क्या था, का जो विवाद था वो क्या था उसका? जैसे एक एग्जाम एक स्टूडेंट एक है तो उसमें पाँच एक स्टूडेंट 10-4 दे दिया गया। अच्छा, रिजल्ट का जो सीट था उसको आपको एक ही लड़के को 3-4 जगह पर सेटलमेंट कर दिया गया रिजल्ट सीट पूरा दिया। हमको देना चाहिए था 7 लाख के स्टूडेंट का रिजल्ट, लेकिन 3 लाख लड़का का स्टूडेंट। पहले शायद ऐसा नहीं, इस गवर्नमेंट से कोई खुश नहीं है, इस गवर्नमेंट से क्या खुश है ना किसान खुश है, मतलब बनिया कैसे खुश हो चुका है ये बताइए, सरकार से किस तरह से खुश है? ताकि बढ़िया खुश, बढ़िया पर लोग खुश है कि भाई महंगाई मैंने बढ़ते मैंने महंगाई बढ़ते जा रहा है, 500 रुपये उनको फायदा हो रहा है, उनको मुनाफा हो रहा है। आप भाई किसान के पास तो पैसा है ना, किसान कोई भी चीज़ खरीदने जा रहा है तो महंगाई का सामना करना पड़ जा रहा है, प्लस विद्यार्थियों को भाई समय समय से वेकेंसी नहीं आ रही, इसीलिए विद्यार्थियों की मतलब सरकार को सोचना होगा, बच्चे को UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आपको ग्रुप बी में 2-2 पेपर ली जाती है और 5 वर्ष में ये कार्यक्रम पूरा, 5 वर्ष में 5 रुपये फट जाता है। कुछ कहना चाह रहे हैं? रेलवे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बहुत ज्यादा फॉर्म गिर गया, इसलिए 2 एग्जाम लेने का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बताइए, इसके पहले क्या फॉर्म नहीं गिरता था? इसके पहले भी फॉर्म गिरता था, 18 में क्या फॉर्म नहीं गिरा? गिरा, फिर भी कहा एग्जाम लिया गया, एग्जाम के 20 दिन पहले बोला जा रहा है। बताइए बच्चे, जिन बच्चों को बस जो बच्चे यहाँ पर तैयारी करते हैं 4 साल 5 साल 6 साल से, वो बच्चे के समय क्या गुजर रहे होगी इस समय? बताइए, माता पिता यही आशा रहता है कि बच्चा मेरा अब फोन से बोलेगा मेरा जॉइनिंग हो गया, अब मेरा बच्चा फोन से बोलेगा, इसी तरह करते करते बच्चा इस साल कितना बच्चा के एज एक्सपायर हो गया, इस साल कितना बच्चा के एज एक्सपायर हो गया, कितना जाने तो जिस बच्चा के एज एक्सपायर हो गया वो बच्चा क्या करेगा? क्या मोदी जी कहेंगे क्या 3 साल छूट देंगे? 3 साल 31 साल एज है रेलवे में जनरल का, मोदी जी का 3 साल बढ़ा देंगे क्या? नहीं बढ़ाएंगे। मतलब सरकार को इन छात्रों के बारे में कुछ सोचना चाहिए, ये काफ़ी मेहनत करके तैयारी करते हैं और किस तरह से इनका लाइफ स्टाइल होता है शायद वो सरकार ये बात नहीं समझ पा रही। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सेट बना रहे हैं, वही रेलवे का ही सेट बना रहे हैं, ग्रुप डी का। अच्छा, ग्रुप डी का यहाँ खोद दीजिए। क्या विवाद क्या था ग्रुप डी का? राजा कुमार यादव विवाद क्या है, एक बहाली निकाल रहा है सरकार और 5-10 साल लगा रहा है, सीधा सरकार बोल दे जो 20 साल में एक बहाली प्रक्रिया पूरी होगी, तब तक हम लोग बाहर से कमा के आएंगे और 3 माह तैयारी करेंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे। मतलब पुराने का सेंस इनका यही है कि एक कैलेंडर निर्धारित कर रहे हैं ना, एक साल में मेरा कंप्लीट, एक साल का या 10 साल या 20 साल या 50 साल, जैसे मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है, उन लोगों में कोई दिक्कत नहीं होगा। उन लोगों का कोरोना रहेगा तो बोलेगा कि जो हमारे कोरोना नहीं फैल रहा है, बच्चों की तैयारी के लिए वहाँ जाएगा तो कोरोना हो रहा है, मत जाइए, एग्जाम नहीं लगे, एग्जाम के बाहर कोरोना हो गया, एग्जाम जब लेना है तो कोरोना हो गया। आज आप सही समय पर एग्जाम को निर्धारित करवाना चाहते हैं। देख लीजिए बजट पेश हुआ है, इसमें खाली मैंने उच्च वर्ग वाला का फायदा है, उच्च वर्ग को कैसे फायदा हुआ आप बताइए, जैसे बिजनेसमैन का बहुत ही फायदा है, उनको मुनाफा हो रही है, मुनाफा हो रहा है, जो गरीब और गरीब हो रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार है। अच्छा, राहुल कुमार, और इनका क्या नाम हुआ? राकेश कुमार नाम हुआ। आप सरकार से अपने कुछ मांग को रखना चाहेंगे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से? हम लोग यही चाहते हैं कि टाइम टाइम पे एग्जाम हो और लड़का का एज एक्सपायर ना हो,
सही, मतलब पंचवर्षीय योजना टाइम टाइम पर जब इलेक्शन हो जाता है, कोरोना काल में इलेक्शन हो जाता है, कोरोना काल में इंजाम क्यों छह महीना में जिस प्रकार से इलेक्शन जल्दी से हो जाता है, सब रिजल्ट वैसे ही होना चाहिए बच्चा। मतलब आपके कहने का सेंस ये है कि कैलेंडर निर्धारित हो कि यहाँ पे इस समय में सब कुछ हो जाएंगे। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम सरकार से ही मांग करना चाहेंगे कि शिक्षा पर ध्यान दे, सरकार शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं कर रहा है, नहीं तो शिक्षा नीति नया शिक्षा नीति लागू करे और अच्छा से वही शिक्षा नीति लागू करे तो अच्छा से पालन भी करे। कैलेंडर भी निकाल दिया जाए। हाँ, क्या निकाल दिया जाए? कैलेंडर एक जारी किया जाए कि फलना डेट पर फलना रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, फलना एग्जाम भी दे दिया जाएगा बच्चों के साथ, कभी दो साल के बाद, कभी तीन साल के बाद इलेक्शन, अगर कोरोना रिजल्ट एग्जाम लेना है कोरोना है, लेकिन इलेक्शन लेना है कोरोना नहीं। मतलब टाइमिंग वगैरह क्या है? हम तो चार से पाँच में। अच्छा, यहाँ का जो ग्रुप डिस्कशन होता है, सेट प्रैक्टिस होता है, सुनने में आता है कि हर शहर में ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्या ये सही बात है कि मोतिहारी अपना फेमस है पटना के तौर पे पढ़ने के एग्जाम के लिए, लेकिन मोतिहारी कुछ ज़्यादा? सो गाइस, यहाँ पे एक यूट्यूबर मिले हैं, कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे हैं सोनू भैया, और यहाँ पे हैं पूरे विद्यार्थी, आप देख सकते हैं। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा था, लेकिन विद्यार्थी का जो दर्द होता है वो थोड़ा सा झकझोर दिया, क्योंकि हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने कुर्सी के फेर में पड़े हुए हैं, थोड़ा हम लोग के बारे में सोचे, हम लोग विद्यार्थी है और यहाँ पे पूरा विद्यार्थी भरा हुआ है, और पता ही है आपको कि जब विद्यार्थी अपने आक्रोश में आता है तो क्या कुछ नहीं कर देता है, हम लोग की अपनी सरकार भी हो सकती है, इसलिए आप लोग अपने सरकार पे घमंड ना करें और विद्यार्थी को भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो दोस्तों, यहाँ का नज़ारा आप एक बार देख लीजिए, फिर अब हम लोग यहाँ से निकलने का समय हो गया है, काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पे शेड बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और हमारे सामने में इधर कुछ दुकानें लगी हुई हैं, दिख रहा है सिद्धार्थ, यहाँ कुछ दिख रहा है, आइए देखते हैं, चलते हैं। हम यहाँ पे एमएस कॉलेज का फील्ड आप देख रहे हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा ये फील्ड है, और यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे दुकानें लगी हुई है, सब कुछ यहाँ पे चकाचक। और ये हमारे सोनू भैया, लग रहा है कुछ खर्चा वर्चा करेंगे क्या? हाँ, तो भैया क्या क्या नाश्ते में आपने क्या क्या यहाँ रखा है? खाली जलेबी। अच्छा, ये एमएस कॉलेज के गेट पे आप डेली आते हैं यहाँ फील्ड में? डेली आते हैं। तो जलेबी खिलाइए हमें। कितना दें? यहाँ है एमएस कॉलेज में, देखिए गर्मा गर्म जलेबी, और इन भैया को पहचान लीजिए, ठीक है ना, जब भी आइए आप एमएस कॉलेज में तो एक बार यहाँ का जलेबी जरूर देखिए। क्या मुस्कुराते हैं, आए है क्या जलेबी है, चलिए जलेबी खाते हैं हम लोग फिर। काफ़ी टेस्टी है जलेबी, जब भी आइए आप एमएस कॉलेज के इस फील्ड में एक बार इस भैया से जरूर जलेबी खाने की कोशिश करें। ऐसे तो फ्री में नहीं खिलाएंगे, पैसे से ही खिलाएंगे, लेकिन खाइए। एक रुपए का चार को देते हैं ना भैया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं आया घूमने। क्या घूमने आए? घूमने। एमएस कॉलेज के बगल में ही रहते हो या कि इसी गांव? तुम लोग पानीपुरी कितना बिक कितना जाता है? वही सर 13-14 रुपए का करीब एक दिन में हो जाता है। बेस्ट है, तो आप लोग भी देख लीजिए एमएस कॉलेज के बगल में, एक तो हमारे जलेबी वाले भाई साहब आएंगे, पानीपुरी वाले यहाँ भी कैमरा दिखाना, और ये भी जब भी आइए तो एक बार कम से कम यहाँ पे पानीपुरी खाने की कोशिश करें, काफ़ी बेहतरीन होता है। क्या पानीपुरी टेस्टी था ना? यहाँ पे हैं एक चाचा जी अंकल, एमएस कॉलेज के फील्ड के बगल में एक और भैया यहाँ दिखाई दे रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ करते हैं भैया, यहाँ क्या किस चीज़ का बिजनेस? पानीपुरी का। तो पानीपुरी का कितना बिक कितना जाता है दिन भर? 1500 लोग का बिक जाता है, तो बढ़िया है, तो काफ़ी बेहतरीन है। तो इन भाई साहब को भी आप देख लीजिए, जब भी आइए एमएस कॉलेज के पास तो एक बार यहाँ पानीपुरी खाइए, काफ़ी बेस्ट होता है। जय गुरुदेव गुपचुप दुकान का नाम है। सो गाइस, तो यहाँ पे देखिए मेरे चैनल का नाम लिखा रहा है, कुछ व्यूअर हैं कह रहे हैं कि हमको डायरी में लिख करके दे दीजिए,
इंडियन लाइफस्टाइल ब्लॉग ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो गाइज, अब चलने की बारी आ गया है, अब हम लोग चलते हैं। और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर लीजिए और ताकि उस पर हम लोग बात कर सके। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बोल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।